हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल करेक्टरस्टिक्स ऑफ बी सी डी ओ माई ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो जनरल करैक्टर्स ऑफ बी सी डी ओ माई कॉटा फंजाई इन्हें हम क्लब फंजाई भी कहते हैं बिकॉज जो बी सी डी ओ है वो क्लब उनकी शेप क्लब की जैसे होती है ओके okay? तो बी सी डी ओ माई फंजाई दे आर ऑल्सो नोन एज द क्लब फंजाय यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल करैक्टर्स ऑफ बी सी डी ओ माइकॉर्ट ऑफ दैन क्लैम्प कनेक्शन क्या होते हैं सेक्शुअल एंड ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है इसके अंदर और और भी कुछ एक दो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बी सी माइसिटीज की वो हम वी आर गोइंग टू तो डिस्कस इन दिस वीडियो ओके चल रही जो बी सी डी ओ माइसीटीज़ है इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड ऑफ ऑल द फंगल क्लासेज मोस्ट एडवांस्ड फंगस है या हायर फनजाई उनको बोलते हैं इट इंक्लूड्स अबाउट फिफ्टीन हंड्रेड स्पीशीज़ विथ मोर देन फाइव हंड्रेड चेनरा ओके और दिस ग्रुप ऑफ फनजाई इट इंक्लूड्स बोथ सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक स्पीशीज़ यदि इसके माइसीलियम की हम बात करें तो माइसीलियम वेल डेवलप्ड होता है फिलामेंटस माइसीलियम है एट कंसिस्ट ऑफ ए मास ऑफ ब्रांच सेप्टेट हाइफे तो ये माइसीलियम है ये सेप्टेट होता है और हाइफे होते हैं सेप्टा इसमें डोलीफो सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं जो कि हम लेटर ऑन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अब जो इसका पिक्यूलर या पर्टिकुलर जो करैक्टरिस्टिक फीचर है इसके माइसीलियम का तो वो क्या है कि माइसीलियम है जो बेसीडियो माइसिटीज का इट पासिस थ्रू थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस तीन स्टेजेस से ये पास होता है नेमली प्राइमरी माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम एंड टर्शरी माइसीलियम बिफोर द फंगस कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल या पूरे फंगस की लाइफ साइकिल में इसमें तीन तरह के माइसिलियम पाए जाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड दर्शरी द फर्स्ट स्टेज जो माइसीलियम की है द फर्स्ट स्टेज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्राइमरी माइसीलियम ओके अब प्राइमरी प्राइमरी माइसीलियम क्या है होमो कैरियन होता है विच इज़ फॉर्म बाय द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियो स्पोर्स तो हम बेसिडियो इस्पोर्स से बात करें तो बेसिडियो स्पोर्स भी क्या होते हैं हेप्लॉइड होते हैं और हेप्लॉयड होते हैं सिंगल न्यूक्लियस होते हैं और वो जर्मिनेट होके माइसीियम बनाते हैं ओके तो जो बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं हमेशा प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं बेसिडियो स्पोर भी हैप्लॉयड है प्राइमरी जो माइसीलियम है वो भी क्या होता है हैप्प्लॉइड होता है या मैनो मोनोकैरियोटिक होता है और जो प्राइमरी माइसीलियम है वो बेसिडियो माइसिटीज़ की हैप्लोफेज को डिनोट करता है ओके इट डज नॉट बियर एनी सेक्स ऑर्गन्स। जो भी प्राइमरी माइसिलियम के अंदर कोई भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रह सकता अ फीचर इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द फाइकोमाइसिटीज़ एंड एस्कोमाइसिटीज़ तो बीच बीच में आप ये भी देखते रहिए कि जो इसके कौन कौन से फ़ीचर्स हैं जो कि हमने जो फाइकोमाइसिटीज़ पढ़ी हैं और जो एस्कोमाइसिटीज पढ़ी हैं उसमें से ये डिफरेंट हैं तो जो बिसडियो माइकोसिटी बिसडियो माइसिटीज का प्राइमरी माइसीडियम है इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रहते हैं जो कि एक डिफरेंट करेक्टर है एज कम्पेयर टू फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज द इट डज़ नॉट बियर बेसिडिया और बेसीडियोस्पोज क्योंकि बेसिडिया और बेसीडियोसपोज बाद में बनेंगे टर्सरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसिलियम और टर्शरी माइसीलियम से द प्राइमरी माइसीलियम में मल्टीप्लाई बाय कोनीडिया और बाय ओइडिया तो जो क्वनीडिया हैं या जो ए सेक्शुअल बॉडीज होती हैं उन्हीं से ये प्राइमरी माइसीलियम रिप्रोड्यूस करता है या उन्हीं से बार बार प्राइमरी प्राइमरी माइसीलियम बनता जाता है ओके अब जो सेकेंड स्टेज है तो फर्स्ट स्टेज क्या हो गई इसकी फंगस प्राइमरी माइसीलियम जो सेकेंड स्टेज है वो कहलाती है सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम क्या होता है रिप्रेजेंट करता है इसका डाइ कैरियोफेज ओके तो प्राइमरी माइसीलियम हेप्लोफेज सेकेंडरी माइसीलियम रिप्रेजेंट करता है इसका डाई कैरियोफेज तो जो बेसिडियो माइसिटीज के अंदर क्या होता है प्रोलॉन्ग डाई कैरियोफेज होता है एज कम्पेयर टू द इन टू द एस्को माइसिटीज़ ओके और इन इनका जो रोल है ये प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं इनकी लाइफ साइकिल के अंदर अब जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो प्राइमरी माइसीलियम से बनता है किस तरह से बनता है आ, वो हम अभी लेटर ऑन पिक्चर्स भी डिस्कस करेंगे पहले मैं आपको जनरल बता देती हूँ तो प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम बनता है जो बीसीडियो माइसिटीज होती हैं वो हिट्रोथैलिक होती हैं दैट मीन्स इनमें दो अलग अलग तरह का थैलस पाया जाता है तो जो होमोकैरियोटिक माइसीलियम होता है वो भी प्लस भी होता है और माइनस होता है उसको हम स्ट्रेन से डिनोट करते हैं तो जो होमोकैरियोटिक माइसीलियम है प्राइमरी माइसीलियम है वो एक ही टिश्यू या एक ही प्लांट पर भी प्रेजेंट रह सकता है सपोज जब ओ स्पोज प्लस स्ट्रेन के भी होते हैं और माइनस स्ट्रेन के भी होते हैं वो एक ही प्लांट पे प्लस भी गिर रहे हैं और माइनस भी गिर रहा है तो प्लस वाला जर्मिनेट होकर प्लस माइसीलियम बनाता है और माइनस वाला जर्मिनेट होकर माइनस माइसीलियम बनाता है ओके तो जो दो कंपेटेबल माइसीलियम मतलब प्लस और माइनस इन्हीं के बीच में ही कॉन्जुगेशन होता है या इन्हीं के बीच में ही फ्यूजन होता है हमेशा प्लस या माइनस जो प्राइमरी माइसिलियम है वो ही मिलके डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनाते हैं मतलब जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम के अंदर जो दो न्यूक्लियई होंगी वो एक प्लस स्ट्रेन की होगी और एक माइनस स्ट्रेन की होगी ओके तो दैट मीन्स ये जो टू डिस्टिंक्ट स्ट्रेन्स होते हैं प्लस और माइनस होते हैं जो कि कंपैटिबल होते हैं आपस में और ये क्या करते हैं आपस में मीट करते हैं

पास उनकी जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनके बीच की वॉल डिजॉल्व हो जाती है एंड द प्रोटोप्लास्ट ऑफ यूनि न्यूक्लिएट सेल्स इंटरमिंगल इन द फ्यूजन सेल मतलब प्लाज्मोगेमी हो जाती है कैरियोगेमी नहीं होती कैरियोगेमी होगी तो डिप्लॉइड ही हो जाएगा तो इसलिए सिर्फ प्लाज्मोगेमी होती है एंड द टू न्यूक्लियाई इन द फ्यूजन जो फ्यूजन सेल के अंदर जो दो न्यूक्लियाई हैं दे डू नॉट फ्यूज़ दे लाई साइड बाई साइड कॉन्स्टिट्यूटिंग ए डाई कैरियन ओके तो इस तरह से प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम बन जाता है अभी हम और जो स्लाइड्स के अंदर पिक्चर्स देखेंगे तो ये मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी एक्सप्लेन कर रही हूँ जो भी मैं बोल रही हूँ आप उसको लिख भी सकते हैं और मैंने ये स्लाइड्स भी बना रखी हैं इनसे भी आप लिख सकते हैं पर ये तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे आप बुक से लिख रहे हैं तो जो भी मैं बोल रही हूँ आप उसको समझने की कोशिश कीजिए ओके अब क्या होता है वन ऑफ द स्ट्रेन इज प्लस स्ट्रेन हो गया अब डाई के अंदर और दूसरा क्या हो गया माइनस स्ट्रेन हो गया तो द बाई न्यूक्ट सेल दस एस्टैब्लिश्ड इज नोन एज डाई कैरिक सेल ओके अब ये सेल क्या बन गई डाई कैरिटिक सेल

मे बी यूनि तो जो पहला पोर्शन जो पहले बनाया पोर्शन वो यूनि हो सकता है और जो लेटर फॉर्म पोर्शंस हैं वो बाई न्यूक्ट या डाई हो सकते हैं ओके okay. तो दाई द डाइकैरिक सेल डिवाइड्स रिपीटेडली बाय कॉन्जुगेट डिविजन्स कॉन्जुगेट डिविजन्स आई हैलरेडी एक्सप्लेन की जो दोनों न्यूक्लियर उनके अंदर साइमल्टेनियस डिविजन्स होता है ओके okay? तो जो डाइकैरटटिक सेल्स हैं इट डिवाइड्स रिपीटेडली बाई कॉन्जुगेट डिविजन्स टू गिव राइज टू अ सेकेंडरी और डाइकैरियोटिक माइसीलियम तो पहले प्राइमरी माइसीलियम प्राइमरी माइसीलियम के फ्यूजन से क्या बना आपका डाइकैरियोटिक सेल बनी फिर डाई सेल के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं दो उनमें कॉन्जुगेट डिवीजन होता है और उससे डाई माइसीलियम बनता है तो इट कंस अब जो डाई माइसीलियम है इसमें बाई न्यूक्लियर सेल्स होती हैं और एक जो इंपॉर्टेंट फीचर है जो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो होता है क्लैम्प कनेक्शन तो ड्यूरिंग दीज कॉन्जुगेट डिविजन क्या बनते हैं क्लैम्प कनेक्शन बनते हैं दीज कलैम्प कनेक्शन एनश्योर दैट द सिस्टर न्यूक्लियर ऑफ द डाई

नेक्स्ट सेल के अंदर जो भी सेल बन रही है उसके अंदर वो चला जाए तो ये क्रैम्प कनेक्शंस uh, का इम्पॉर्टेंस है इसको अभी हम और पिक्चर से आई एक्सप्लेन यू ओके okay. तो अब जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो प्राइमरी माइसीियम से किस तरह से डिफरेंट होता है एक तो ये लॉन्ग लिव होता है मतलब मेन प्रोमिनंट इसका पोर्शन है इसकी लाइफ साइकिल का सेकेंड इसमें क्लैम्प कनेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं जो कि प्राइमरी माइसीलियम में प्रेजेंट नहीं रहते इसकी विग्रस ग्रोथ भी ज़्यादा होती है ब्रांचेज़ बहुत ज़्यादा मच ब्रांच होता है बाई न्यूक्लियट कंडीशनस होती हैं और इसके अंदर यदि यदि फूर्टिफिकेशन हो रहा है तो बेसीडियो कार्ड

डोलीपोर सेप्टा इज प्रेजेंट ये इसका बेसिडियोमाइसिटीज़ का करैक्टरिस्टिक फीचर है और ये क्लैम्प कनेक्शन एंड डोलीपोर सेप्टा। ये आपके शॉर्ट नोट्स में या वैसे अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनके बारे में मैं आपको बताऊँगी और इनके बारे में आपको ज़रूर समझना चाहिए देन रिप्रोड्यूस ए सक्चुअली बाय कोनीडिया थ्रो स्पोज और फ्रैगमेंटेशन बाय बर्डिंग दैट आई हैव टोल्ड यू जी प्राइमरी माइसीलियम इस इस तरह से डिवाइड करता है नो स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स जैसे आपको बताया, सिर्फ प्लस और माइनस स्ट्रेन के हीस्ट्रोथैलिक माइसिलियम प्रेजेंट है सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स बाय सोमेटोगेमी जो कि सोमेटोगेमी मतलब दो जो सोमेटिक सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं एंड एंडफर्मेटाइजेशन ओके बेसिडियो माइसिटीज़ फनजाई के कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आप पढ़ सकते हैं कि कुछ हार्मफुल हैं और कुछ यूजफुल भी होती हैं कुछ कुछ एडेबल होती हैं जिनको कि हम खा सकते हैं एज अ फूड उनको जैसे मशरूम है उनको हम खाने के काम में लेते हैं ओके okay. ये प्राइमरी माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम प्राइमरी माइसीलियम के बारे में पढ़ ही लिया शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है सेकेंडरी माइसीलियम लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है और डाइकैरियोटाइजेशन मतलब प्राइमरी माइसी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम टू सेकेंडरी माइसीलियम वो क्या कहलाता है डाइकैरियोटाइजेशन तो सेकेंडरी माइसीलियम किससे बनता है प्राइमरी माइसीलियम से मैं ये आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अच्छा अब टर्शरी माइसीलियम क्या होता है टर्शरी माइसीलियम तो सेकेंडरी माइसीलियम जैसा ही होता है होता है ओके इट इज़ द स्पेशल ऑर्गेनाइज सेकेंडरी माइसीलियम दैट फॉर्म्स द बेसिडियोकार्प तो जिस सेकेंडरी माइसीलियम से बेसिडियोकार्प बनता है सिर्फ वो माइसीलियम क्या कहलाता है टर्शरी माइसीलियम कहलाता है अदरवाइज ये भी बाइन मतलब ये भी क्या होता है सेकेंडरी माइसीलियम की जैसे ही होता है और इसके अंदर ये थोड़ा सा थिक वॉल होता है एज़ कंपेयर टू द सेकेंडरी माइसीलियम ओके चलिए ये भी जनरल करैक्टरिस्टिक्स ओके तो ये स्टैरिक मेटा इसके मतलब कुछ कुछ मैंने अलग अलग स्लाइड जैसे लिए हैं कि कुछ पोर्शन छूट ना जाए अब जैसे स्टैरिक मेटा है तो स्टेरिक मेटा आपको पहले भी पढ़ रखा है जैसे इस पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं ना ये बेसीडियोज स्पोर है नीचे बेसीडियम है तो ये बेसीडियज स्पोर्स कहाँ लगे रहते हैं स्टेरिक मेटा पर जो कि पॉइंटेड प्रोजेक्शंस होते हैं ओके बाकी ये ऑलमोस्ट आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स आप इनको गो थ्रू दीज स्लाइड्स बाकी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको चलिए अब ये टर्शरी माइसीलियम देख लीजिए टर्शरी माइसीलियम दिस इज द बाई न्यूक्लियट माइसीलियम विच इज़ ऑर्गेनाइज इंटू स्पेश टिश्यूज़ विच फॉर्म इंटू फूटिंग बॉडीज कॉल द बीसीडियोज अब ये सेकेंड यहाँ देखिए प्राइमरी हाइफा है और प्राइमरी हाइफा है दो हैं एक प्लस स्ट्रेन का है एक माइनस स्ट्रेन का है जिनकी न्यूक्लियस किस तरह से डिनोट की गई है एक को ब्लैक न्यूक्लियस से डिनोट किया गया एक को वाइट से किया गया है जब कैरियो जब सोमैटो हो रही है तो ये देखिए दो एडजेसेंट सेल्स हैं उनके बीच की वॉल डिजॉल्व हो गई है और क्या बन गया ये एक न्यूक्लियस क्या बन गई है बाई न्यूक्लियट बन गई है और अब इस बाई न्यूक्लियट सेल या डाई सेल से क्या बनेगा सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा और जो ये टर्शरी हाइफा हाफ देख रहे हैं ये क्या है बाई न्यूक्लियर सेल्स का है और ये थोड़ा सा थिक वॉल्ड है as compared to the secondary hypha. Okay? Chalye. अब हम ये क्लैम्प कनेक्शन इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं बाकी मैं और भी इसके अंदर और पिक्चर्स में आपको दिखाऊंगी ये जो ब्लॉक वाले पिक्चर में आप देखिए इधर भी प्राइमरी हाइफा है इधर भी प्राइमरी दोनों तरफ प्राइमरी हाइफा है ना ये जो ब्रांच देख रहे हैं आप प्लस एंड माइनस जो ब्लॉक के अंदर दे रखा है उसके बाद ऊपर क्या बन गया ये सेकेंडरी माइसीलियम तो जब भी आप पिक्चर बनाएं दो न्यूक्लियस आपको बनाने हैं तो यदि आपको अलग अलग उनको कलरिंग करनी पड़ेगी ओके ब्लैक और व्हाइट या फिर जो भी आपको दो कलर कॉन्ट्रास्ट आप यूज कर सकते हैं ऊपर क्या है सेकेंडरी ये सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम ये क्लैम कनेक्शन हैं इसका एक क्लियर व्यू में आपको अभी नजर करते हैं आपसे ओके ये एक जनरल सा चीज़ है कि किस तरह से ये प्राइमरी हाई फे से डाई माइसीलियम बन गया फिर ये बेसिडियम दिखा रखा बेसिडियम से ये चार बेसिडियोस्पोस बन रहे हैं बेसिडियोस्पोस वापस जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं मोनोकैरियोटिक माइसीलियम चलिए अभी हम बात करते हैं क्लैम्प कनेक्शंस की तो वहन द डाईरियोटिक सेल इज़ रेडी टू तो डिवाइड जब जब भी, भी कोई डाई सेल है वो जब डिवाइड होने के लिए चाहे उसमें कॉन्जुगेट डिवीजन के लिए तैयार होती है तो इट इट गिव्स लाइक अ पाउच लाइक आउट ग्रोथ मतलब उसमें से एक पाउच लाइक आउट ग्रोथ अराइज होती है ओके इट अराइज मिडवे बिटवीन द टू न्यूक्लिय ऑफ द डाइकैरियन तो ये दोनों न्यूक् मतलब जो भी uh, बीच में से बीच के पोर्शन से ये अराइज होती है तो द टू क्लोजली एसोसिएटेड न्यूक्लियाई ऑफ द सेल नाउ डिवाइड साइमल्टेनियसली दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट डिवीजन मतलब दोनों न्यूक्लियाई हैं वो साइमल्टेनियसली डिवाइड होती हैं चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ क्लैम्प कनेक्शन हॉफमैन 1856 ने क्लैम्प कनेक्शन के बारे में बताया इट इज़ अ मैकेनिज्म फाउंड इन द बेसीडियो माइसिटीज एक्सेप्ट रस्ट फंजय रस्ट फंजाई के अंदर ये नहीं पाया जाता है इट इज़ अ ब्रिज लाइक हाईफल कनेक्शंस तो क्लैम्प कनेक्शंस uh, को एक सॉर्ट uh, ऑफ sort of क्या ब्रिज बना लेते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ़ द सेकेंडरी माइसीलियम इन मैनी बेसिडियो माइसीटीज इट द सिस्टर से क्लियर होगा क्लैम कनेक्शन डिविजनिक सेकेंडरी माइसिलियन है डोलीपोर सेप्टा का भी कैरो अब ये पिक्चर को आप ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रही हूँ और इसको ध्यान से देखिए ओके okay, हम आप सबसे पहले शुरू करते हैं पिक्चर ए ए पिक्चर के अंदर आप क्या देख रहे हैं डाइकैरटिक सेल है ओके और ये जो सेप्टा है जो कि आप इस तरह से दिख रहा दिख रहे हैं ना आपको ऐसे क्रॉस होकर जो सेप्टा बनाया ये क्या आपका डोलीपोर सेप्टा है इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हैं ए और बी ये समझ में आ गया आपको डोलीपोर सेप्टा का क्या रोल है बाकी सेप्टा से किस तरह से डिफरेंट है कि ये जो डोलीपोर सेप्टा है इसके थ्रू सिर्फ जो प्रोटोप्लाज्म है वो ही मूव कर सकता है न्यूक्लियस इसके थ्रू मूव नहीं कर सकती आगे समझ में चलिए अब ये आपके पास एक डाई सेल की पिक्चर है जिस जो कि आपके प्राइमरी सॉरी प्राइमरी माइसीलियम दो प्राइमरी माइसीलियम प्लस और माइनस से आपको ये डाई सेल मिल गई है इसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं ए और बी ओके okay. अब ये सेल थोड़ी इलॉन्गेट हो गई है बी पिक्चर में आप देखिए ठीक है थीके? अब क्या होता है ए से दो सेल ए से दो न्यूक्लियस बनेंगे तो आप सपोज कह सकते हैं ए या ए डैश आप कर सकते हैं ए वन ए टू कर ए से ए तो है ही और ए से क्या बना ए वन जो कि उसकी डॉटर न्यूक्लियर है बी से क्या बना बी वन जो कि उसकी डॉटर न्यूक्लियर है ओके आप सेल यहाँ पर देखिए सेल लॉन्गेट हो गई है और ओके और ये जो ये बी ये जो आप देखेंगे सी वाले पिक्चर के अंदर कि क्या उभर के आ गया यहाँ प्रोजेक्शन आ गया है, है ना मतलब एक प्रोजेक्शन सा ये कर्व सा स्ट्रक्चर बन गया है अब इस कर्व स्ट्रक्चर के अंदर जो बी में से बी और बी डैश अब देखिए जो नया जो ए और बी है वो तो क्या है ओरिजिनल आप उनको मदर न्यूक्लियस समझ सकते हैं तो जो भी आपके नई आगे का डाइक्यरियन बनेगा उसके अंदर कौन से न्यूक्लियस जाएंगे ए डैश और बी डैश ए और बी पीछे वाले डाइक्योर में रह जाएंगे और फिर उनसे यही प्रोसेस स्टार्ट होएगा ओके तो ए और बी डैश तो कहाँ चले जाएंगे जो नई सेल बनेगी तो अब जो ए ए डैश बी बी डैश अब बी तो बी डैश और ए डैश जो हैं वो मूव हो के कहाँ आ जाएंगे आप सी पिक्चर के अंदर देखिए वो मूव हो के इस इलोंगेटेड सेल के अंदर आ जाएंगे और जो बी वाला न्यूक्लियस है वो इस जो आपका क्लैम्प है उसके अंदर चला जाएगा और ये यहाँ पर क्या होएगा सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा अब इसका क्या रोल है ये जो ब्रिज बना है या जो क्लैम्प बना है इसकी बीच की वॉल डिजॉल्व हो जाएगी और ये वापस से ए के पास आ जाएगा और जो ए डैश बी डैश न्यूक्लियर है उनके बीच में क्या बन जाएगा अब ये डोलीपोर सेप्टा बन जाएगा डोलीपोर सेप्टम बन जाएगा अब ये आपकी आप तो कौन सी दो न्यूक्लियर अब आपको दो डाई सेल बन गई है एक के अंदर है न्यूक्लियस ए डैश बी डैश और एक के अंदर है ए बी अब फिर उसके बाद ये प्रोसेस इट गोज ऑन एंड ऑन इस तरह से डाई कैरियोटिक माइसीलियम बन जाता है क्लियर है आपको मैं फिर रिपीट कर देती हूँ ए ये आपकी डाइकैरियोटिक सेल है ए न्यूक्लियस है बी न्यूक्लियस है ए न्यूक्लियस से ए डैश बना बी से बी डैश बना अब इसका मोटो क्या है इसका क्या उद्देश्य है क्लैम्प कनेक्शन बनने का कि जो डा जो भी सिस्टर न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई बनी है ना ए डैश बी डैश वो साइमल्टेनियसली uh, दूसरी सेल के अंदर चले जाएं और ए बी है वो वापस रह जाए उसके अंदर तो ये जो सेल है आपकी डाइकैरटिक सेल ये इलॉन्गेट हो जाती है एक क्लैम्प उभर के आता है इस सेल के अंदर और जो बी है ए जो ए तो पीछे है जो भी आगे वाली सेल होगी नेचुरली जो इसके ज़्यादा पास है तो बी है वो बी इसके अंदर चला जाता है और ए डैश बी डैश मूव करके कहाँ चले जाती है इस इलांगेटेड सेल के आगे चल जाती हैं और वापस उन पर एक डोलीपोर सेप्टा बन जाता है कि नई सेल बन गई डाई और ये जो क्लैम्प है उस जिसके अंदर बी न्यूक्लियस है उसकी वॉल डिजॉल्व हो जाती है और ये जो बी है वो वापस से कहाँ आ जाता है अपने ए न्यूक्लियस के पास आ जाता है और फिर वापस से ये प्रोसेस स्टार्ट होता जाता है ओके तो ये सिर्फ सिंपल प्रोसेस है और ये क्या है इस ये क्या है डाइकेरियोटिक माइसीलियम बनने का प्रोसेस है तो ये क्लैम कनेक्शंस हैं और ये डोलीपो सेप्टा है ओके तो ईच ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई फ्रॉम द हुक सेल ए डैश एंड टिप सेल बी डैश माइग्रेट्स टूअर्ड्स द टिप तो जो भी डॉटर न्यूक्लियर है ना ए डैश बी डैश वो कहाँ माइग्रेट हो जाती है टुअर्ड्स द टिप मैंने बोला ना सेल इलांगेट हो गई और वो टिप पर मूव कर जाती हैं अनादर डॉटर न्यूक्लियस ऑफ द टिप सेल एल्सो वेट्स टू बी पेयर विद द रिमेनिंग डॉटर न्यूक्लियस बी अब ए अकेला रह गया बी कहाँ चला गया आपका क्लैम्प के अंदर चला गया तो वो वेट करती है वापस से उसके पेयर होने का देन द क्लैम्प बैंड

अल्टीमेटिव सेल फॉर्म्स द बाई न्यूक्लियर अल्टीमेट सेल ओके तो ये जो मैं बोल रही हूँ वो ज़्यादा सिंपल है तो आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं अभी कई सारी मैंने पिक्चर्स ली हैं आप बहुत जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो एक्सप्लेन हो देखिए ए और बी है बी इसके अंदर चला गया है फिर उसके अंदर डिवीज़न हो रहा है और ए डैश बी डैश आगे चले जाएंगे और ए बी वापस से ये भी कई सारे पिक्चर्स हैं और सबका ये जो मैटर है वो इसमें लिखा हुआ है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है ओके okay? तो आप पहले सुनिए मैंने क्या बोला है उसके बाद आप इनको पढ़िए और अपने नोट्स उस हिसाब से आप बना सकते हैं ओके ये भी एक सिंपल सी पिक्चर है तो ये कई सारी सिंपल सिंपल पिक्चर्स हैं ये आपको सारी नहीं बनानी है आ, वैसे बेस्ट तो मतलब बेटर तो ये जो आपको फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन की है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसमें सारा कुछ समझ में आ रहा है पर फिर भी मैंने आपको कि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना रह जाए तो ये मैटर ऊपर लिखा हुआ है और आपको जो भी समझ में आ रहा है अब अपने हिसाब से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके उसमें से आप उसको आप फॉलो कर सकते हैं ओके चलिए अब हम डोलीपोर सेप्टम की बात करते हैं ये क्या होता है इसकी पिक्चर कुछ एक मैंने ऐड कर रखी है और इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ डोलीपोर सेप्टम बिकॉज प्राइमरी माइसीलियम भी सेपटेट होता है सेकेंडरी माइसीलियम भी सेपटेट है दोनों के अंदर डोलीपोर सेप्टम पाया जाता है पर प्राइमरी माइसिलियम में क्लैम्प कनेक्शन नहीं होते हैं ये आपको पता होना चाहिए द सेप्टम अराउंड द सेंट्रल पोर स्वेल एट द सेंटर फॉर्मिंग ए बैरल शेप स्ट्रक्चर विच ओपन एंड दस फॉर्मिंग ए सेप्टल पोर तो ये आपको पिक्चर में क्लियर हो जाएगा ये सेकेंड पॉइंट द सेप्टल पोर इज सराउंडेड बाई ए कप लाइक और डोम शेप मैम्ब्रेन कॉल पैरेंथोज पैरेंथोजोम और सेप्टल पोर केप और न्यूक्लियर पोर कैप ओके

तो आप ये इसका पिक्चर है वेलेबल डाइग्राम है इसका और वो मैंने इसका अकाउंट दे रखा है ओके ये कुछ माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स हैं क्लैम्प कनेक्शन आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू भी ये बेसिडियम है बेसिडियम से ऊपर क्या निकल रहे हैं बेसिडियो स्पोर्स निकल रहे हैं चलिए यदि हम बेसिडियम की बात करें तो बेसिडियम यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल का बना हुआ यूनिसेलुलर होता, होता है क्लब शेप्ड होता है जिसकी वजह से ये जो फनजाई हैं वो क्लब फंजाई कहलाती हैं इट इज़ फॉर्म टर्मनी टर्मिनली ऑन द डाई कैरियोटिक हाईफे तो ये डाई कैरियोटिक हाई फे पर टर्मिनली बनता है इट बियर्स बीसीडियो स्पोर्स एक्सोजीनियसली और एक्सोजीनियसली और एंडोजीनसली अब आपको पता ही है तो वो जो बेसीडियो स्पोर्स हैं वो एक्सोजीनियसली बनते हैं यूजली ऑन द प्रोजेक्शन कॉल स्टैलिक मेटा बेसीडियम अलग अलग जब आप पढ़ेंगे जनरल तो अलग अलग तरह के होते हैं तब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे होलोबेसीडियम है फ्रेगमोबेसीडियम है स्टाइकोबेसीडियम है कायस्टोबेसीडियम है डिपेंडिंग तो अपॉन ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं ओके ये बेसिडियो स्पोज आप देख रहे हैं स्टेरिक मेटा है होलोबेसीडियम अब ये जो सिंगल सेल्ड बेसिडियम है ये कहलाता है होलोबेसीडियम कई बार क्या होता है जैसे आपने पक्सिनिया पढ़ा होगा उसमें हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये देखिए टीलेटो की पिक्चर है तो टीलेटो से क्या निकलता है एक जॉम ट्यूब निकलती है लंबी और जो इसके अंदर जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो कहाँ चला जाता है इस ट्यूब के अंदर चल जाता है और फिर यहाँ पर मियोसिस होता है और उस डिप्लॉइड जो न्यूक्लियस से चार हैप्लोइड न्यूक्लियस बनते हैं और फिर उनके बीच में सेप्टा बन जाता है दैट मीन्स ये जो फ्रैगमो बन जाता है या कई बार इसको प्रोटोबेसीडियम भी कहते हैं तो ये क्या हो जाता है और फिर इनके बीच में क्या बन जाते हैं सेप्टा बन जाते हैं तो ये फोर सेल्ड फ्रैगमोबेसीडियम बन गया और फिर उन फोर सेल के ऊपर मेटा बनते हैं और हर एक से जो न्यूक्लियस है हर एक के ऊपर एक बेसिडियोस्पोर बन जाता है तो जब बेसीडियोस बेसिडियम नहीं बनता है तो ये फ्रैगमोबेसीडियम जैसे कि आप अभी पक्सीनिया के अंदर पढ़ेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ओके चलिए फ्रूटिंग बॉडी या बेसिडियो का आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मोस्ट फनजाई इन द फाइलम बेसिडियो माइकोटा एक्सेप्ट स्मर्ट एंड रस्ट रस्ट में मैंने क्या बताया आपको जर्म ट्यूब बन रही है और वो बेसिडियम नहीं बन रहा है उसके अंदर <laughs> उसमें फ्रैगमो बेसिडियम बन रहा है इट प्रोड्यूसेज हाईली अट्रैक्टिव एंड ब्यूटिफुल फ्रूटिंग बॉडी ऑफ वेरिएबल कलर साइज शेप एंड टेक्स्चर कॉल द फंगस फ्लावर तो इसको हम फंगस फ्लावर भी कहते हैं दे में भी थिन एंड क्रस्ट लाइक जिलेटिनस कार्टिलेजिनस पेपरी फ्लैशी स्पॉजी कॉर्की और वुडी ऑफ वेरियस साइजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू मीटर मोर देन इन डायमीटर तो अलग अलग जेनरा में अलग अलग वैरायटी ऑफ टाइप्स में सीढ़ियों का प्रेजेंट रहते हैं मशरूम्स पफ बॉल्स शेल्फ फंज़ाए, कोरल फंज़ाए, बर्ड नेस्ट फंज़ाए, अर्थ स्टार्स एंड स्टिंग हॉर्स तो ये सारे क्या हैं अलग अलग तरह के बेसिडियो का आप हैं जिनको हम देखिए पिक्चर्स में कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं ये पहली पिक्चर वाइट वाइट आप देख रहे हैं मिल्की मशरूम जिसका बोटैनिकल नेम है साइब इंडिका देन ये बटन मशरूम है एगेरिकस बाईस जो कि बहुत कॉमन है मार्केट भी में मिलता है होटल्स में भी मिलता है और आप इवन घर में भी आप इसकी जो सब्जी बनाते हैं रिच इन प्रोटीन इसको आराम से कल्चर भी किया जाता है मेरे ख्याल से आपकी टॉपिक भी है एक मशरूम कल्चर देन दिस पिंक ऑयस्टर मशरूम देखिए कितना ब्यूटीफुल है इसका बोटानिकल नेम है प्यूरोटस यूसस ओके दैन कुछ और है यह आपका टैंजोर विल्ट ऑफ कोकोनट इससे होता है आ, इस आ, मश, इस वाले फंगस से होता है गैनोडर्मा ल्यूसीडम ओके ये इसका टिपिकल इसका देखिए बेसिडियोकार्प है ये पॉइजनस मशरूम है जिसका नाम है एमेनिटा स्पीशीज़ तो ये एमेंटा एमेंटिया एमेनिटा स्पीशीज़ है ये पॉइजनस मशरूम है और देखिए कितना लेड एंड वाइट में कितना इतना ब्यूटीफुल इसका बेसीडीओ कार्प है देन पैडी स्ट्रॉ मशरूम वॉलवेरिया वॉवेसिए ओके okay, तो ये देखिए अच्छा यदि हम इसका बेसिडियो बेसिडियोमा सी डी बी एस एंड बे यदि हम इसका सेक्शन काटें कि जो बेसिडियो कार्प है तो ये देखिए यहाँ पर ये बेसिडियम है और बेसिडियम के ऊपर ब्यूटिफुली क्या लगे रहते हैं बहुत सारे बेसीडियो स्पोज लगे रहते हैं तो ये गोल गोल सारे बेसीडियो स्पोज हैं और ये जो लंबे-लंबे प्रोजेक्शन हैं ये क्या हैं इसके बेसिडिया बेसिडियम है तो ये बहुत आसानी से आप इसको माइक्रोस्कोप में देख के पहचान सकते हैं ओके अब ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ बर्डिंग कोनीडिया है ऑथ्रोस्पोर्स है यूडोसपोर्स जब हम रस्ट फंगस पढ़ेंगे ओके okay, तो ये सिंपल सा है इसमें ऐसा कुछ है नहीं जब हम जनरा पढ़ेंगे तब उसको आप देख सकते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वो एक कैरियोगेम्योसिस और ये जो आपको अभी बताया है किस तरह से बी बनते हैं डाइ होता है दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू चलिए कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय डैश इन बी किस तरह से होता है क्लैम कनेक्शन इज अ मैकेनिज्म फाउंड इन बीसीडियो माइसिटीज विच एनश्योर्स द कंडीशन ऑफ एडजस्टेंट सेल्स इज असेलुलर एंड क्लबशिप स्ट्रक्चर फॉर्म टर्मिनली ऑन डाइकोटिक हाई वे बीसीडियम बीयर्स बेसीडियो इस पोस्ट एक्सोजीनियसली यूजली ऑन द प्रोजेक्शन कॉल्ड तो ये आप बहुत सारा कुछ मैंने बताया हुआ है सिर्फ चार ही हैं चलिए थिंक अबाउट इट एंड देन दीज आर द आंसर्स तो आप इनको पढ़ लीजिए कि क्या हैं ये वैसे आपने ये पढ़ ही चुके हैं ओके okay? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और जिससे ये आपको आसानी होगी जो भी हम जनरा पढ़ेंगे उनको समझने में ओके थैंक यू सो मच